इस वीडियो को दूसरी नज़र से मत देखिए और शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। कभी कभी कुछ ऐसे इंसान से हमारी परिचय हो जाते हैं जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन अंदर से बहुत ही घटिया किस्म की होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप बहुत जल्द समझ जाओगे अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हो तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं देबाशीष जर्नी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले नॉर्थ पुरुलिया की वीडियो में हमने बार बार आप सभी से होटल की वीडियो देखने के लिए कहे थे, क्या कारण है चलिए देखते हैं। असल में ये कोई होटल नहीं है, ये वेस्ट बंगाल टूरिज्म के अंतर्गत एक एकोमोडेशन है जो जयचंडी पहाड़ के ठीक नीचे है। आप वीडियो देख के समझ ही गए हो कि कितनी सुंदर जगह पे है ये हॉस्टल। चलिए अब हॉस्टल रूम की भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हो ये जयचंडी पहाड़ से जुआ आवास जाने की यानी कि यूथ हॉस्टल आने की शॉर्टकट मार्ग है। हमने डबल बेड नॉन एसी बिग रूम की बुकिंग किए थे। ये जो रूम आप देख रहे हो ये हमें दिया गया है। कितना नाम सुना था अच्छा इस प्रॉपर्टी के बारे में कि चलो जयचंडी पहाड़ में ऐसा कुछ हुआ है, एक अच्छा प्रॉपर्टी है, बुक किए और इसका परिणाम देखो। अब थोड़ा वीडियो देख लो पहले। आप लोग इस पे गौर कीजिए, नीचे देखिए झूलता मीनार, यहाँ पे मीनार झूल रहा है, ठीक है। ये वाला देख लो कितनी खुशी से झूल रहा है ऐसे ऐसे। आप देखो यहां से पानी सीपेज लीकेज देख रहे हो, वहां पे देखो डैम्प, पूरा डैम्प हुआ है, यहाँ पे लीकेज है पूरा। मुझे तो लग रहा है कोई यहाँ पे ना आएगा तो ऊपर से दिखाई भी देगा। वो बाहर वाला पीछे वाला कुछ है क्या पोर्शन है? ये रहे साफ सुथरा बन देख रहे हो वाह, कोने कोने में सफाई की पहचान। अब दिखाने जा रहा हूँ सबसे खूबसूरत और आर्टिस्टिक स्किल, यहाँ पे देखिए क्या नजारा है राजा। सच्ची यार,
पता नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इस हालत में है, मुझे तो डर लग रहा है अभी एक भी स्विच अगर यहाँ पे चार्ज दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देख रहे हो ना मैट्रेस, इसके अंदर सारा मतलब क्या बोलो खाना वाना गिरा हुआ था, हम लोगों ने आके इसको साफ किया। इससे पहले वाला रूम याद है ना, पूरा डैम था, पूरा डैम था, सब कुछ वहां पे बिगड़ा हुआ था, मतलब कोई स्विच काम नहीं कर रहा था, कॉकरोचेस मरे हुए थे हर जगह, देख लिया ना। ये आप टीवी देख रहे हो, देखो भाई लोग आप लोग टीवी कहा है, रिमोट कहा है यार, ढूंढो। हाँ ये अच्छा, ये तो बक्सा में रहता है, देखिए मैं ये ऑन कर रहा हूँ, रिमोट ये वाला है ना। अच्छा ये टीवी के लिए है, दोनों ही टीवी के लिए, आप देख सकते हो सैमसंग का टीवी है एकदम ब्रांडेड। ये वाला स्विच दे दो पहले, ये वाला स्विच टीवी का है, मतलब देने में डर लग रहा है मुझे तो, टीवी फट गया तो हमें ही से चार्ज हो जाएगा। हाँ। देखते हैं टीवी चलता है कि नहीं, देखिए वो तो लाल हुआ है, कुछ तो अगर अच्छा हुआ हमारे साथ, अमावस्या होता है, अमावस्या देखिए मैं दे रहा हूँ इसको, ये लाल लाल यहाँ पे फोकस आया है यहाँ पे, और पता नहीं क्या है यहाँ पे जल रहा है, ये बंद कर दे भाई किचु हो गया और, तो मैं बंद कर रहा हूँ, कुछ भी हो टीवी जाए देखता है ना, देख लिया आपने मतलब घर की ये हालत है। ओ खाने के बारे में थोड़ा बता दो, खाने सिर्फ चाय पीने गए थे, सिर्फ चाय पीने गए थे हमने, जब सुबह को रिसेप्शन में पूछा था वो बोला था हाँ मिल जाएगा सब कुछ मिलेगा, वहां पे लिस्ट दिया हुआ है, तो चाय मिला नहीं हमें, चाय के साथ जो टाय खाते हैं ना हम लोग पकौड़ा वकौड़ा वो भी तो छोड़ ही दो आप। हम लोग गए बाहर एक यहाँ पे रिजॉर्ट है जॉयचंडी पहाड़ हिल रिजॉर्ट, वहां पे जाके एक चाय और एग रोल खा के आए, वो भी उनका बंद हो गया था, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इसलिए उन्होंने बना दिया है, ये हालत है। तो जब भी आप इसमें अगर बुक करते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपने भरोसे से बुक कीजिए, आप अपने साथ सफिशिएंट खाना रखिएगा, स्नैक्स केक्स बिस्किट्स जो भी है सफिशिएंट, और चाय वाय की बात तो छोड़ ही दीजिए। नुक्कड़ में कुछ एक दुकानें हैं वहां पे शायद रेस्टोरेंट है, आपको वहां पे मिल जाएंगी, शायद मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही कहना था, आप देखो आप अब आपके ऊपर है, आप इसे बुक करोगे या नहीं। एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर घर में कोई साबुन फिनाइल झाड़ू कुछ भी हो वो साथ में लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से। तकिया तकिया दिखा, तकिया तकिया है कहाँ, पता नहीं इसके इस पे कितनों ने सोया है, कभी धोया भी गया कि नहीं पता नहीं है, हमें तो सोने में भी इसमें मतलब घिन आ रही है सच में कहूं। ये कंबल, अरे बाप रे बाप, अगर मैं इसे अपने ओढ़ता हूं ना शरीर पे, कल मेरे शरीर में कुछ ना कुछ निकल आएगा। वीडियो तो आप देख चुके हो, फिर भी आप यहाँ पे बुकिंग करने की सोच रहे हो तो जर्नी एक्सप्रेस आपको सैल्यूट करता है और आपको शाबाशी देता है। बुकिंग के लिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यूथ हॉस्टल की साइट पे जाइए, उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स चेक कर लीजिए कहाँ पे आप ठहरना चाहते हो उसके अनुसार। ऑनलाइन बुकिंग पे चेक इन और चेकआउट डिटेल्स देने से पहले मेरे बात को गौर से सुनिए। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए ठहरना है हमारी तरह, तो आपका चेक इन और चेकआउट डेट सेम देना पड़ेगा, जैसे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग है, गलती से भी आप एक दिन के हिसाब से दूसरे दिन की तारीख डाल दिए तो आपको दो दिन का पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी उच्च विचार है। सबमिट कर देने के बाद सबमिट डिटेल्स आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन देखने को मिलेगी, सही जानकारी के साथ फिलअप कर दीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे आके, सियालदा मोलाली के नज़दीक में है राज्य युवा केंद्र, यहाँ पे यूथ हॉस्टल बुकिंग काउंटर से आप सभी वेस्ट बंगाल की किसी भी जगह पे यूथ हॉस्टल बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे दो दो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है,
भरपूर जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। बुकिंग कंफर्म होने के बाद एक रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। इसकी प्राइस डिटेल्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। हम ये वीडियो इसलिए दिखा रहे थे ताकि पश्चिम बंगाल की बाहर से आने वाले पर्यटकों हमें गाली देने से पहले हम सुधर जाए। हम जर्नी एक्सप्रेस ये नहीं चाहते कि हमारे राज्य को पूरी भारतवर्ष में किसी भी तरह की बदनामी का सामना करना पड़े। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।